हेलो मित्रों, एक ऐसा विनाशकारी हथियार जिसके इस्तेमाल से न सिर्फ कोई देश या वहाँ के लोग बल्कि पूरी इंसानी नस्ल और पृथ्वी का विनाश हो सकता है, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब। परमाणु बम आज दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक बन चुका है। इसकी विनाश लीला का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई परमाणु बम किसी देश पर छोड़ दिया जाए तो वहाँ की लाखों की आबादी एक ही झटके में खत्म हो सकती है। वैसे तो दुनिया जानती है कि सबसे पहले परमाणु बम का इस्तेमाल 6 अगस्त 1945 को किया गया था, जिसे जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि महाभारत काल में भी परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था और वैज्ञानिकों को इस बात का प्रमाण भी मिल चुका है। परमाणु बम का आविष्कार करने वाले साइंटिस्ट जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने अपनी रिसर्च में इस बात का खुलासा किया है कि परमाणु बम जैसे विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल महाभारत काल में भी हो चुका है। दरअसल ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत की गहराई से स्टडी की थी। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की फायर पावर पर रिसर्च किया था। उनके इस रिसर्च मिशन का नाम था ट्रिनिटी, यानी त्रिदेव। ईयर 1939 से 1945 के बीच ओपेनहाइमर और दूसरे साइंटिस्ट की एक टीम ने ये रिसर्च की थी। इस रिसर्च के बाद ही वैज्ञानिक इस फैसले पर पहुंचे थे कि महाभारत में जिस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया गया था वो आज के परमाणु हथियार के बराबर ही शक्तिशाली था। अगर नंबर्स की बात करें तो अलग अलग सोर्सेस से पता चलता है कि महाभारत में करीब 20 लाख लोगों की मौत हुई थी और हिरोशिमा नागासाकी में गिराए गए एटम बम से भी करीब 20 लाख लोगों की जान गई थी, जिसमें हिरोशिमा के करीब 1,40,000 लोग मारे गए थे, तो वहीं नागासाकी में 60,000 के करीब लोगों की मौत हुई थी। पुणे के एक डॉक्टर व राइटर पद्माकर विष्णु वर्तक ने भी अपनी रिसर्च में माना है कि महाभारत काल में जिस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया गया था वो दरअसल परमाणु बम के समान ही था। डॉक्टर वर्तक ने एक किताब लिखी है स्वयंभू, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है। दरअसल रामायण और महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र सबसे खतरनाक हथियार माना जाता था। उस काल में कई योद्धाओं के पास ब्रह्मास्त्र थे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता था उसके पास इसे वापस लेने की भी क्षमता होती थी। लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने का तरीका याद नहीं था, इसलिए ब्रह्मास्त्र के छूटने के बाद भारी तबाही मची थी। सिंधु घाटी सभ्यता पर हुई रिसर्च के मुताबिक 5000 से 7000 ईसा पूर्व हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में ऐसे कई नरकंकाल मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उन्हें किसी भयंकर अस्त्र से मारा गया था। इसके अलावा यहाँ ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि किसी काल में यहाँ अत्यधिक मात्रा में रेडिएशन पैदा हुआ था, जितना किसी परमाणु बम के विस्फोट के बाद होता है। महाभारत में इस बात का उल्लेख मिलता है कि दो ब्रह्मास्त्रों के आपस में टकराने से भयंकर तबाही जैसे हालात बन गए थे, ऐसे हालात कि पूरी पृथ्वी के ही खत्म होने का डर बन गया था। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तमाम और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।